13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पर युवाओं के साथ संगोष्ठी का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एवं भारत विकास परिषद के सदस्यों के द्वारा किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य ही था युवाओं को वीर सपूतों के द्वारा दी गई कुर्बानी के बारे में जानकारी दी जाए। उन्हें बताया गया कि 13 अप्रैल को क्या क्या हुआ था, उन्हें स्मरण रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू नगर भेलवा तालाब में किया गया, जिसमें गणमान्य नागरिक एवं युवा वर्ग खिलाड़ी उपस्थित रहे। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मरे हुए शहीदों को नमन किया। जनरल डायर की क्रूर बर्बरता के कारण निहत्थे लोगों को गोली मारी गई थी। इस घटना को स्मरण करके सबकी आंखें नम हो गई। जनरल डायर ने, और जनरल डायर ने मतलब वो जो बताए इतिहास का सबसे घिनौना, कुछ करने तो नहीं गए थे, छोटे से जगह पर सब लोग मनाने गए थे और अंधाधुंध गोलियां चली थी। तो उन्हीं महापुरुषों के कारण आज हम लोग यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे कि नहीं ले रहे, बताओ ले रहे ना। तो उन सभी लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि हुई जो उनको याद करें और उनके बताए हुए पद चिन्हों का चलन करेंगे ना सब लोग। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उसी दिन से इनकलाब का नारा भी बुलंद हुआ था और भगत सिंह वहीं से शपथ लिए थे, वहीं से सब कुछ शुरुआत हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जगा के रखे युवाओं को, थैंक यू। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का हमेशा प्रयास रहता है कि जो हमारे वीर सपूत हैं, जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रहित के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिसको बारे में युवाओं को जानकारी नहीं है, उन लोगों को जानकारी देना, उनको प्रेरित करना। आज नेहरू नगर भेलवा तालाब में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करना किया गया, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी युवा विश्व हिंदू परिषद से शैलेंद्र सिंह परिहार आए, भारत विकास परिषद से जितेंद्र सिंह आए और सब लोगों ने अपने विचारों को रखा और रख करके हम यही जगाना चाहते हैं कि भूलो मत, याद करो कुर्बानी। इसीलिए हम सब लोग आयोजन किए हैं। आप भी जहां भी रहें, आपके चैनल के माध्यम से, एशियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्रभक्त हैं, जहां भी रहें, अपने अंदर जज्बा जगाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रकार की संगोष्ठी करने से हम जैसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, हम लोगों को हमारे सपूतों के बारे में जानकारी मिलने का मौका प्राप्त होता है। ऐसे ये संगोष्ठी का कार्यक्रम या आयोजन रोज होना चाहिए या ऐसे समय पे होना चाहिए जब जरूरत है। धन्यवाद।